दोस्तों स्वागत है आपका प्ले विद क्रिश के चैनल पर। तो यार पिछले कुछ दिनों से मैं रियल क्रिकेट 22 खेल रहा हूं और मैंने रियल क्रिकेट 22 के ऊपर काफी सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाली है, जैसे कैसे आप टेस्ट मैच में विकेट ले सकते हैं, कैसे आप परफेक्ट टाइमिंग वाला शॉट मार सकते हैं, कैसे आप हर बॉल पर सिक्स मार सकते हैं। तो वो सभी वीडियोज आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों काफी लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि भाई जब हमें बाउंसर आती है तो हम खेल नहीं पाते, तो यार एक वीडियो बना के दिखाओ कि कैसे हम बाउंसर बॉल को क्रिकेट में खेल सकते हैं। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जो चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप बाउंसर में एक सिक्स या फोर मारना चाहते हैं। तो यहां दोस्तों सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका जो बॉलर है वो फास्ट पेसर है, मीडियम पेसर है या फिर स्पिनर है। अब एक प्रॉपर बाउंसर फास्ट पेसर ही डालता है, तो यहाँ पे एक फास्ट पेस बॉलर मेरे सामने आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉल कितनी शॉर्ट है, आपको पहले लॉफ्ट दबाना है, इसके बाद आपको कुछ इस टाइप से पीछे की तरफ डायरेक्शन करके बैकफुट दबाना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सिंपली यहाँ पे चौका या छक्का जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक फास्ट पेसर हमारे सामने है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉल कहाँ पे पिच करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि बॉल जो है वो कितनी बड़ी बाउंसर होने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पीछे की तरफ डायरेक्शन लगा के लॉफ्ट दबा के आपको बैक फुट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सीधा यहाँ पे चौका या छक्का चला जाएगा। अब दोस्तों अगर मीडियम पेसर बॉलिंग करने आए तो आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है, वो ये है कि आप जब डायरेक्शन चूज करें तो आपको थोड़ा नीचे इस टाइप से डायरेक्शन चूज करनी है, और डायरेक्शन आपको अगर बॉल ऑफ साइड पिच कर रही है तो ऑफ साइड डालनी है, और अगर लेग साइड बॉल पिच कर रही है तो आपको लेग साइड डायरेक्शन चूज करनी है। अब यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि बॉल जो है वो यहाँ पे थोड़ी लेग साइड पे पिच कर रही है, तो आपको यहाँ पे लेग साइड पे शॉट मारना है, वही बैक फुट दबा के आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आसानी से छक्का चला जाएगा। तो ऐसे आप रियल क्रिकेट 22 में बाउंसर बॉल को खेल सकते हैं।